बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा एजुकेशन तहा स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला ना कर सका। वालिदैन शदीद सर्दी में बच्चों को स्कूल छोड़ने पर परेशानी का शिकार हैं, जबकि वालिदैन ने महकमा एजुकेशन से छुट्टियों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। सर्दी की शिद्दत बरकरार, महकमा एजुकेशन ताहाल स्कूलों में छुट्टियों में इजाफा करने का फैसला ना कर सका। वालिदैन शदीद सर्दी में बच्चों को स्कूल छोड़ने के हवाले से परेशानी का शिकार है, जबकि वालिदैन की जानिब से महकमा एजुकेशन से छुट्टियों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत बरकरार है और महकमा एजुकेशन ताहाल स्कूलों में छुट्टियाँ बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं कर सका है। वालिदैन शदीद परेशान हैं और शदीद सर्दी में बच्चों को स्कूल छोड़ने पर परेशानी का शिकार हो चुके हैं। वालिदैन ने महकमा स्कूल एजुकेशन से छुट्टियों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामे, बताइएगा कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है छुट्टियों में इजाफे का? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से 20 दिसंबर को ये छुट्टियों का ऐलान किया गया था कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो चार रोज़ कबल ही ये छुट्टियां दे दी गई और अब 6 जनवरी को दोबारा ये स्कूल खुल रहे हैं। अब इसमें अब देखा जाए तो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन अब हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में ये सर्दी की छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएँ। लेकिन अब इस पर मुख्तलिफ ज़राए से बातचीत की गई, महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन को इस हवाले से अतमाद में लिया जा रहा है और कल एक इजलास तलब किया गया आला हुकाम का, जिसमें सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन को इसकी बाकायदा तौर पर सदारत करेंगे और देखेंगे कि आया स्कूलों को छुट्टियाँ मज़ीद बढ़ा दी जाएँ या नहीं। लेकिन इसमें अब जो आला हुकाम हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से, कि सर्दी की शिद्दत को देखा जाएगा और उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि कल आखिरी वर्किंग डे है सरकारी, उसके बाद हफ्ता और इतवार को छुट्टियां होगी सरकारी इदारों में, तो उसी की बुनियाद पर कल ये लाजमी होगा कि कल ये फैसला कर लिया जाए। तो हुकाम का कहना है कि कल ही फैसला हो पाएगा कि सरकारी स्कूलों में मज़ीद एक हफ़्ते के लिए छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएँ और इसमें महकमा मौसमियात से भी बाकायदा तौर पर उनसे भी डिटेल्स ली जाएंगी कि आइंदा एक हफ़्ते में मौसम की शिद्दत क्या होगी, तो उसी की बुनियाद पर ही ये फैसला हो पाएगा। तो लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 5 जनवरी तक छुट्टियां की गई और 6 जनवरी को तमाम, यानी कि सोमवार को तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। अब इनके हवाले से मज़ीद छुट्टियों के एक्सटेंशन के हवाले से फैसला अब कल होगा और कल देखा जाएगा कि महकमा स्कूल एजुकेशन के काम क्या फैसला करते हैं कि पंजाब में मज़ीद छुट्टियाँ की जाएंगी या नहीं। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। महकमा एजुकेशन तहा स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं कर सके, वालिदैन इस पर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, अगर हुकूमत को शर्म नहीं आ रही तो हम भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए बच्चे बीमार हो जाएंगे, लिहाजा छुट्टियाँ बढ़ाई जाएँ, तो अगर छुट्टियाँ नहीं बढ़ाई जाती तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जी उसके हवाले से यही बात करना चाहूँगा कि आपके सामने चल रहा है जो मौसम है, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ रही है, हुकूमत को भी सोचना चाहिए और ये स्कूल वालों के जो डायरेक्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं। हम शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो साले नौ की पहली बारिश आज रात बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रात में हल्की बारिश की नवीद सुनाती। बारिश के बाद धुंध की शिद्दत में भी कमी वाकई होगी। आपको बताएं साले नौ की पहली बारिश आज रात बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने रात में हल्की बारिश की नवीद सुना दी है और इस हल्की बारिश के बाद धुंध की शिद्दत में भी कमी होगी। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, साले नौ की पहली बारिश आज रात बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रात में हल्की बारिश की नवीद सुना दी है। बारिश के बाद धुंध की शिद्दत में कमी वाकई हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। सर्दी की लहर बरकरार है, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है, साले नौ की पहली बारिश आज रात बरसने की नवीद सुना दी गई है। हम खबर शामिल करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए पैकेज की बातें, दूसरी जानिब अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 2 से 6 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 2 रुपए इजाफे के बाद 224 रुपए फी लीटर हो गया है। दर्जा अव्वल का घी 6 रुपए इजाफे के बाद 2216 रुपए फी किलो कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए पैकेज की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब अशिया की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया।
आपको बताएं कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 2 से 6 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 2 रुपए इजाफे के बाद 224 रुपए फी लीटर हो गया है। दर्जा अव्वल का घी 6 रुपए इजाफे के बाद 2216 रुपए का फी किलो हो गया है। आवाम की परेशानी में इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के वादे तो बहुत किए जा रहे थे और अब पैकेज की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 2 से 6 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जबकि दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 2 रुपए इजाफे के बाद 224 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज की फराहमी में रुकावट बन गई है। कैंसर के इलाज के CML प्रोजेक्ट के 2.25 अरब के बकाया जात अदा नहीं किए जा सके, जबकि कैंसर के मरीजों को अद्वियात भी फराहम करने से माजरत कर ली गई है। तब्दीली सरकार ने गुजश्ता और मौजूदा माली साल में बकाया जात ताहाल अदा नहीं किए। जिना हस्पताल समेत 5 टीचिंग हस्पतालों से कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल रही थी। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिर चौधरी से। जी जाहिर चौधरी, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम ना करने से जो कैंसर का मुफ्त इलाज है सूबे भर में, वो तातल से दो चार हो गया है। साबका हुकूमत की जानिब से साल 2014 में CML प्रोजेक्ट जो है वो क्रोनिक मायोलाइड ल्यूकीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट का ये मंसूबा शुरू किया गया था नोवार्टिस फार्मा के जो है वो तावन से, जिसमें 90% जो है वो नोवार्टिस फार्मा की जानिब से एक्सपेंडिचर बियर किया जाना था और 10% जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फंड्स फराहम किए जाने थे। लाहौर में जिनाह अस्पताल और मेयो अस्पताल समेत सूबे भर में 5 मराकज जो हैं वो कायम किए गए थे CML प्रोजेक्ट के, जहाँ से 5,000 पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर के उनका मुफ्त ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान इस जो है वो कैंसर के इलाज का जो ये सिलसिला है इसके लिए फंड्स फराहम नहीं किए। 2.25 अरब रुपए के बकाया जात जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने अभी तक अदा नहीं किए। बार बार जो है वो नोवार्टिस फार्मा की जानिब से हुकूमत को इस्तदा की गई कि वो फंड्स फराहम करे ताकि बिला तातल इलाज जारी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस पर अब नोवार्टिस फार्मा ने एक ख़त अरसाल किया है पंजाब हुकूमत को, जिसमें ये कहा गया है कि वह फर्दर इसमें जो पेशेंट्स को मुफ्त दवा है वो फराहम नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये 5,000 कैंसर के गरीब मरीज़ इनका इलाज तातल से दो चार हो गया है। हुकूमत की ये जो है वो इस हवाले से जो अदम तवज्जही है, संगीन नोयत की यह गफलत है कि 5,000 कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनका इलाज जो है वो ना सिर्फ तातल से दो चार हो गया है बल्कि ये महंगा इलाज होने की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लग गई हैं, क्योंकि 1.5 से 2 लाख रुपए की हर माह दवा ख़रीदना इन पेशेंट्स के बस का काम नहीं, इनकी इस्तेदात नहीं है और अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं तलाश किया जा सका। सूबाई हुकूमत ने सूबाई कामीना की जानिब से भी मंजूरी दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट को फंड्स दिए जाएं, लेकिन ये फंड्स फराहम नहीं किए गए थे। बार बार जो है वो वादा किया गया, लेकिन ना तो महकमा सेहत ने ये फंड्स फराहम किए, ना ही पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिस लिया है और कैंसर का मुफ्त इलाज तातल से दो चार हो गया है। कैंसर का मुफ्त इलाज तातुल का शिकार है। जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 2019 बड़े लीडरान के लिए अच्छा साबित ना हो सका। 2019 में पंजाब की जेलों में सियासी कैदियों की भरमार रही। नून लीग समेत दीगर बड़ी सियासी जमातों के लीडरान को जेल भिजवाया गया। सियासी लीडर्स को कोट लखपत कैंप और अडियाला जेलों में रखा गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 2019 में 2 बार कोट लखपत जेल के कैदी बने। नवाज शरीफ 26 मार्च को रिहा हुए और 28 मई को दोबारा कैदी बने। शहबाज शरीफ 2 माह कैद रहने के बाद 15 फरवरी को रिहा हुए। अली साही ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मालूम करेंगे। जी अली साही, बताएगा लीडरान के लिए साल 2019 कैसा रहा? बिल्कुल, सियासी कैदियों की बात की जाए तो बड़े बड़े जो लीडरान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उन्होंने कोट लखपत जेल, कैंप जेल और अडियाला जेल में कई माह मुकैद रहे मुख्तलिफ नैब के केसेस में, जबकि जो राणा सनाउल्ला हैं वो सिर्फ मंशियात के केस में उन्होंने अपनी कैंप जेल में सजा काटी, जबकि दीगर जितने भी मुलजम जो लीडरान हैं वो नैब के केसेस में कैंप जेल और कोट लखपत जेल में कैद रहे। बात की जाए मियां नवाज शरीफ की, तो वो 26 मार्च 2019 को 6 हफ्ते के लिए बीमारी की बुनियाद पर रिहा किए गए, जबकि 8 मई को दोबारा वो कोट लखपत जेल में कैद कर दिए गए और उनको फिर बीमारी की बुनियाद पर
27 जो अक्टूबर है उस दिन रिहाई मिली। नवाज शहबाज शरीफ की बात की जाए तो वो 2 माह की कैद काटने के बाद 15 फरवरी को लखपत जेल से रिहा हुए। अब्दुल अलीम खान जो हैं वो 15 मार्च को जेल में आए और उनको 17 मई को रिहाई मिली। इसी तरह सूबाई वजीर सत्यम खान जो हैं उन्होंने भी 6 माह की कैद जो है वो कोट लखपत जेल में कैद दी। मरियम नवाज जो हैं वो 2 माह की कैद उन्होंने कोट लखपत जेल में। मियाँ हमजा शहबाज जो हैं वो 6/9/2019 को कोट लखपत जेल में आए और अभी भी अपनी कैद जो है वो काट रहे हैं। अगर बात की जाए कैंप जेल के कैदियों की तो वहाँ पर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक 2 फरवरी को नैब के केस में है और अभी भी अंडर ट्रायल अपनी कैद जो है वो काट रहे हैं। यूसुफ अब्बास शरीफ जो हैं जो मियां नवाज शरीफ के भतीजे हैं वो 25 अक्टूबर को कैंप जेल में आए। उस ये तमाम कैदी जो हैं ये बी क्लास के कैदी रहे जबकि राणा सनाउल्ला जो 2/7/2019 को कैंप जेल में कैद किए गए वो आम कैटेगरी में रखे गए और मरियम नवाज को भी कोट लखपत जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया। मोस्टली इनमें कैदी जो हैं वो रिहा हो चुके हैं लेकिन सलमान रफीक साद रफीक और अडयाला जेल में 2 से 3 ऐसे कैदी हैं जो अभी भी अपनी सजा काट रहे हैं। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के बाजू के स्टिचेस सर्विसेज अस्पताल में खोल दिए गए, डिस्चार्ज होने पर इस्लामाबाद रवाना हो गए। कहते हैं कि दामन साफ है, गिरफ्तार होने से 15 रोज कबल ही पैगाम दे दिया गया था कि रफ्तार कम कर लें। डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा प्लेटें डाली थी पिछले साल, वो 19 तारीख को उन्होंने निकाली थी सर्जरी के ज़रिए, तो आज टांके भी ख़त्म हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है अब मेरा बाजू। लेकिन यकीनन वो गोली तो जो 1.5 साल पहले लगी थी वो अभी जिस्म में है, हमेशा रहेगी। जो भी ज़्यादती हो रही है ये ज़्यादती नहीं है, ये मुल्क की तारीख लिखी जा रही है और कौम हमारे किरदार से भी वाकिफ़ है, इनके किरदार से भी वाकिफ़ है। जुल्म की रात छटने वाली है और 2020 इंशाल्लाह मुल्क में हकीकी तब्दीली का साल होगा, इलेक्शन का साल भी होगा और इन नालायकों अनाड़ियों से निजात का साल भी होगा। इससे पहले कि हवाओं का रुख बदलता, हुकूमत ने नैब का कानून बदल दिया। हमें तो नए कानून के तहत कोई सहूलत नहीं चाहिए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये मेरे 1993 के असासे देखें जब मैंने सियासत में कदम रखा था और आज 2019 के असासे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कमी हुई है, एक मरले का इजाफा नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज की। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, एसी नॉन एसी समेत तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। बैरूने शहर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, माल बरदार गाड़ियां बंद होने से एक कारोबारी बरादरी भी मुश्किल में पड़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स का भारी जुर्माने, कौमी शाहराहों पर कस्टम्स की लूटमार बंद करने का मुतालबा सामने आ रहा है। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, एसी नॉन एसी समेत तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद है। बैरूने शहर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फारान जामीन इस वक्त बंद रोड पर मौजूद है, उनसे मजीद सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स लेंगे। फारान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हड़ताल 12 बजे शुरू की गई थी क्योंकि रैली की सूरत में बंद रोड से इन्होंने माल रोड की तरफ जाना था लेकिन पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाकर बंद किए गए। 12 बजे के बाद से बंद रोड यतीम खाना बंद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर मौजूद है उन्होंने शदीद से बचाव के लिए अलाव भी रोशन कर लिए। उनका कहना है कि जिस वक्त तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो यहाँ से उठेंगे नहीं और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब तक ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि गवर्नर हाउस के अंदर ट्रांसपोर्टर और पुलिस के आला अफसरान और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ये मुज़ाकरात जारी है। जिस वक्त तक यहाँ जो ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने रोड को बंद किया हुआ है, उनका कहना है कि जिस वक्त तक कायदीन की जानिब से उन्हें कोई कॉल नहीं आ जाती और पुलिस ने जो उनके गाड़ियाँ पकड़ी है वो छोड़ नहीं देते, उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज की वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो और शहरी हो रहे हैं। सुबह से ही वो ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर जलील हो रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारे लोग इंतज़ार की चूली पर चढ़कर वापस घरों को उन्हें लौटना पड़ रहा है जबकि ये हड़ताल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताई गई है वो गैर मुयना मुद्दे तक है और यहाँ पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर आपस में बैठ के अपने मामलात
तय करें ताकि उनकी ये जो मुश्किलात है उसमें कमी वाके हो सके। रात का पहर है, इस वक्त भी ट्रांसपोर्टर यहाँ पर मौजूद है और अपना एहतजाज करवा रहे हैं। पुलिस की जानिब से जो बाबू साबू है, यतीम खाना है, उसको बंद किया गया था ताकि क्योंकि जो रैलियाँ आनी थी उन रैलियों को जो रूट दिया गया था वो यतीम खाने से होकर माल रोड की तरफ, नासिरबाग और माल रोड की तरफ जाना था, तो पुलिस ने ये रूट बंद कर दिया था जो कि इस वक्त तक बंद किया हुआ है। जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है, गुड ट्रांसपोर्ट वो भी बंद है, तो ना सिर्फ शहरियों को बल्कि जो माल बरदार आ रहे कारोबारी हजरात हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। खुशी का दिन और मुसीबत, ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया, पुलिस ने रोकने के लिए गाड़ियां बंद की तो बारात फंस गई। माजरा क्या है जानने के लिए देखिए फरहान यामीन की रिपोर्ट। बनाओ सिंगार, नए कपड़े, ज्वेलरी, रावलपिंडी से बारात लाहौर पहुंची, रास्ता अच्छा कट गया। लाहौरी मेहमान नवाज हैं, मगर इस दफा बारात का इस्तकबाल किया एहतजाज ने। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट बंद की, रैली की सूरत में माल रोड गवर्नर हाउस जाने के लिए निकले तो रास्ते में सदियां और शेराकोट पुलिस ने गाड़ी की चाबियां निकाल ली। ड्राइवर्स ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज ने बंद रोड बंद कर दिया। रोड की बंदिश से बाराती फंस गए तो बारातियों ने भी लाहौरियों की मेहमान नवाजी का खूब तज़किरा किया। हमने इब्राहिम रोड पर जाना है, थोड़ा सा फासला, लेकिन इन्होंने ट्रक एसोसिएशन की हमने मिन्नतें की हैं, तरले की हैं कि आपकी मेहरबानी, ये बारात है, छोटे छोटे बच्चे और उधर हाल का टाइम भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे। बाबू साबू फंसे हुए हैं, दूल्हा साहब बराती सारे इधर आ गए हैं, दूल्हा साहब अभी तक जो ना बोले, अब ये देखे कि वहाँ से लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर जो है ना वो तय करना नहीं पा रहा है। जब बस को 2 घंटे तक रास्ता ना मिला तो बारातियों ने पैदल ही शादी हॉल का रुख कर लिया। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 18वां कॉन्वोकेशन, 1934 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गई। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम को एजाजी PhD की डिग्री भी दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। UMT के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो, सेक्रेटरी जनरल राबता आलमे इस्लामी सऊदी अरब डॉक्टर अब्दुल रहमान, सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, चेयरमैन UMT डॉक्टर अहमद उमर मुराद, रेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम, डायरेक्टर आबिद शेरवानी ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 1934 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां, 15 PhD, 543 MS की डिग्रियां तकसीम की गयी। कॉन्वोकेशन में 22 रेक्टर सिल्वर मेडल, 7 रेक्टर एकेडमिक अवार्ड्स और 8 स्पेशल मेडल्स दिए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने खिताब में कहा कि कौमों की तरक्की में आला तालीम के इदारे कलीदी हैसियत रखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। द कंट्रीज व्हिच हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन आर हाईली एडवांस्ड इकोनॉमिकली। ग्रेजुएट्स को उम्मीद है कि उन्हें मार्केट में मुलाजमत मिल जाएगी। ग्रेजुएट्स का कहना था कि आला तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा हो गया। जो मेरे टीचर्स हैं, फैकल्टी है, UMT के मैनेजमेंट है, इन सब ने जो है काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, हमें काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया है। मेरा जो डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन का है, बेसिकली मेरे जो आगे एम्स हैं, गोल्स हैं, वो ऑटिज़म मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है, तो मैं उसमें पाकिस्तान जो काम नहीं हुआ मुझे लगता है इतना उसमें करना चाहती हूँ। आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूट एंड दैट इज़ ऑल, मतलब कि मैं UMT के आई एम happy that and satisfied ke maine is institute ko choose kiya। कॉन्वोकेशन में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम को एजाजी PhD की डिग्री दी गई। कैमरा टीम के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। अवांता मेन बाजार में बेक एंड बाइट स्वीट्स एंड बेकर्स की तीसरी ब्रांच का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह ताजी रहनुमा जुल्फकार अहमद भट्टी ने CEO चौधरी जमशेद अली, चौधरी सैफ अली, चौधरी शहजाद अली के हमरा किया। 4 जनवरी तक बेकरी आइटम्स पर 15% डिस्काउंट का ऐलान भी किया गया। वन टाउन मेन बाजार मुल्तान रोड पर बेक एंड बाइट के इफ्तिताह के मौका पर ताजिर रहनुमा जुल्फकार अहमद भट्टी ने खसूसी शिरकत की और इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि बेक एंड बाइट ने बेकरी और स्वीट्स में अपना अलग मुकाम पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका एक मयार है पूरे मोटरवे पे, आप जब जाते हैं तो इनके जो रेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे बड़े अच्छे इनके आउटलेट्स हैं। CEO बेक एंड बाइट चौधरी सैफ अली और शहजाद अली का कहना था कि मोटरवे रेस्ट एरियाज में कामयाबी से बेक एंड बाइट चलाने के बाद लाहौर शहर में तीसरी ब्रांच ओपन कर रहे हैं। हमारा मयार ही हमारी जमानत है। 3 डेज हमारा 15% डिस्काउंट है, तो मजीन इलाका से ये गुजारिश है कि ये आप हमारी बेकरी प्रोडक्ट जो है जो खालस देसी मटीरियल से तैयार की गई है, इसको ट्राई करें।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहेंगे और अच्छा मेयार देते रहेंगे, क्वालिटी देंगे, आए विजिट करें। बेकन बाइट पर आवाम के लिए केक, बेकरी आइटम्स में कोल्ड ड्रिंक्स की वैरायटी भी रखी गई। इफ्तिताह के पहले रोज ही खरीदारों का रश बढ़ गया। कैमरामैन दाना आदर के साथ वकार घुमन, सिटी 42। गवर्नर पंजाब के साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब के साथ ट्रांसपोर्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। सपोर्ट हासिल थी और उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब, हमारे ला मिनिस्टर राजा बशारत साहब और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर जहाँ से फिची साहब ने पिछले 3 दिन से इन नगोशिएशंस में वो शामिल थे, तो मैं अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब गवर्नमेंट की उनका भी बहुत ही मशकूर हूँ कि उनके तआवुन के बगैर, उनके डायलाग के बगैर ये मुज़ाकरात जो है कामयाब होने जो हैं वो मुमकिन नहीं थे। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ट्रांसपोर्ट के हमारे जो दोस्त हैं इनका भी बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत लिबरल एटीट्यूड लिया है, इन्होंने अपने इश्यूज जो हैं वो हमसे डिस्कस किए हैं और हमने कोशिश की है कि हम उन इश्यूज को हल करने के लिए जितना भी मुमकिन है वो करें। तो उसके लिए एक तो इनकी बहुत मेहरबानी है तमाम ट्रांसपोर्टर्स की कि इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट पे हम पे एतमाद किया है, हम पे भरोसा किया है कि हम हमदर्दाना तरीके से इनके जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको हल करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। तो मैं इन तमाम लीडरशिप का, और लीडरशिप वही होती है जो मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल जो हैं उनको हल करती है, तो मैं ट्रांसपोर्टर्स की तमाम लीडरशिप को भी इन कामयाब मुज़ाकरात पे मुबारकबाद देता हूँ और ये इनकी बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने स्ट्राइक जो है उसको ख़त्म करने का जो है ऐलान किया है। और उसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था और मुतालबा है वो ये था कि 1000 जमाना जो है जो ट्रैफिक वायलेशन से होता था, 1000 था उसको 10000 जो है कर दिया था। इनके ख्याल में ये इजाफा जो है बहुत ज़्यादा था, तो मुराद सईद साहब ने इसका नोटिस लेते हुए उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि इस जो जुर्माना है इसको ऑन होल्ड कर दिया जाएगा और 31 जनवरी तक की हमने आपस में इन मामलात को हल करने के लिए, इन मामलात को सुलझाने के लिए हमने तय किया है कि 31 जनवरी तक इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन और फेडरल गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट के लीडर जो हैं इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक हमने पंजाब हुकूमत की तरफ से हमने इनसे वादा किया है कि, और हमारे पुलिस अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल थे, हमारे कमिश्नर जो थे वो भी शामिल थे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी थे, तो एक तो हमने इनसे वादा किया है कि जितने इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना, आप देखते रहिए सिटी 42।